A very good morning children, how are you? I hope you all will be fine at your home. Students, अभी तक मैंने आपको हिंदी लिटरेचर की बुक जो आपकी है वाटिका, उसमें स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी और वर्णमाला थी. आपको मैंने वर्णमाला समझाई थी और एक्टिविटीज़ करवाई थी, कलरिंग भी करवाया था. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब उसके आगे हम न्यू जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है दो वर्णों वाले शब्द. ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए एक पीसफुल प्लेस पे और पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए. ठीक है बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं? आपने वर्णमाला तो पढ़ी ही होगी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी क ख ग घ. ओके, तो स्टूडेंट्स वही आपकी वर्णमाला जो है उसी में जो आपके वर्ण पढ़ते हैं आप, जैसे क ख. ओके, छोटा आ बड़ा आ, ये सब आपके वर्णमाला के अंतर्गत, ये सभी वर्ण जो है ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, इसीलिए तो वर्णमाला कहते हैं. क्यों? वर्णों की माला. बहुत सारे वर्ण होते हैं ना, इसी तरह के बहुत सारे वर्ण होते हैं, इसीलिए वर्णों को मिलाकर क्या बनती है आपकी वर्णमाला. ठीक है, अब वर्णमाला के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वर्ण तो आप सीख ही गए होंगे कैसे बनते हैं. ठीक है, सारे अक्षर आपको बनाने आते ही होंगे. अब हम वर्णमाला के आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे दो वर्णों वाले शब्द. ठीक है, दो वर्णों वाले शब्द कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी आज. अच्छा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ला, ये वर्ण मिलकर कुछ शब्द बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये दूर दूर लिखे हुए हैं, इनको अलग हम क्या पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे वर्ण. ठीक है, और इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण. क्यों? क्योंकि ये वर्ण अलग लिखा हुआ है और ये वर्ण अलग लिखा हुआ है. लेकिन बच्चों, अगर हम दो वर्णों को एक साथ लिखते हैं प्लस करके, ठीक है, जैसे न प्लस ल, ये प्लस का निशान लगा है ना, प्लस का मीन्स क्या होता है, दो वर्णों को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ देना. ठीक है, यहाँ पे दो वर्ण लिखे हुए हैं, न प्लस ल. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ना प्लस ल नल. ठीक है, ना प्लस ल नल. अब ये कि बच्चों क्या हो गया, ये आपका एक शब्द हो गया. क्या बन गया? शब्द. यानी कि हमने दो वर्ण मिला दिए, पहला वर्ण ना और दूसरा वर्ण ला. ठीक है, इन दोनों वर्णों को जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द बन गया. क्या तैयार हो गया? एक शब्द तैयार हो गया. ठीक है, वो दो वर्ण जो मिलकर, दो वर्ण जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, जिसका कुछ मतलब होता है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दो वर्णों वाले शब्द. देखिए इसमें यहाँ पे नल का कुछ मतलब होता है, नल जिससे पानी बहता है, निकलता है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नल. ओके, तो यहाँ पे हमने दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जिसका कुछ मतलब होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा का प्लस ला. ठीक है, का भी एक वर्ण है आपका और ला भी आपका एक वर्ण है. ठीक है, इन दोनों वर्णों को जोड़ दिया तो हमारा शब्द कौन सा बन गया, कलकल. ठीक है, कलकल. इसी तरह बच्चों, आपकी बुक में जो भी पेज नंबर आपने खोला है, पेज नंबर 15, उसमें आपको कुछ वर्ण दिए, वो शब्द दिए हुए हैं. ठीक है, दो वर्णों वाले शब्द यानी दो अक्षर वाले शब्द. ये देखिए मैं उनको रीड कर रही हूँ. ठीक है, आप भी उनको अपने अपनी बुक को देखकर रीड करिए मेरे साथ साथ. रासारस, रासारस, कालाकल, कालाकल, कापाकप, कापाकप, ईखा ईख, ईखा ईख, टाबाटब, टाबाटब, खागा खग, खागा खग, छाता छत, छाता छत, ईद ईद, ईद ईद,
पत्र 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 जाड़ा जड़ जाड़ा जड़ नाटा नट आम आम। यहाँ पे देखिए आपका बड़ा आ दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका वर्ण है। पढ़ पढ़ धाना धन आग 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 नाथा नथ वाना वन राथा रथ चढ़ चढ़ जग जग चाला चल पारा पर मागा मग गाजा गज झाड़ा झड़। तो बच्चों ये आपको कुछ आपके शब्द दिए हुए हैं दो वर्णों वाले, ठीक है, सिर्फ दो वर्णों वाले शब्द आपको दिए गए हैं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बस छपी हुई है, बस बस। यहाँ पे देखिए घर का पिक्चर बनी हुई है, घर घर, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़ा ऊ यानी ऊ और ना ऊन, ओके। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ सिखाया गया है, कुछ शब्द सिखाए गए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ शब्द सिखाए गए हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, एक एक्टिविटी टाइप का दे रखा हुआ है यहाँ पे बनाने वाला, लाइक दैट। यहाँ पे फो नौ हो, बच्चों मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ और आपको अपनी बुक में एज इट इज ऐसे ही फिल करना है जैसे मैं समझा रही हूँ। एक वर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ वर्ण यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ वर्ण एक वर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। इन वर्णों को इस वर्ण से मिलाकर अक्षर को शब्द बनाने, ठीक है। जैसे ये, अब जैसे फा में ला जुड़ जाएगा तो कौन सा शब्द बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, फल फल। पहला शब्द आपका क्या बन जाएगा, फल, क्योंकि ये फा को ला में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसी तरह ना को ला में जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा, नल नल, ओके, नल नल। अब ये जो हा दिया हुआ है, हा को अगर ला से जोड़ देंगे तो कौन सा अक्षर बन जाएगा, ह ल हल, हा ल हल, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ण जा दिया हुआ है, अब जा को ला से जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक नया वर्ण बन जाएगा, जा ल जल, जा ल जल। देखिए बच्चों, फा ल फल, ना ल नल, हा ल हल, जा ल जल, ठीक है। ये आपके चार शब्द बन गए हैं बच्चों। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक के। स्टूडेंट्स आपको अपनी बुक में ये फिल करना है, ठीक है। ये देखिए आपके यहाँ पे एक आओ शब्द बनाए, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपको ये करना है, ठीक है। नाउ बच्चों टर्न योर पेज नंबर 16, ओपन योर पेज नंबर 16। अब हम अभी तक तो हम लोगों ने दो अक्षर वाले शब्द पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, तीन अक्षर वाले शब्द, ठीक है, तीन वर्णों वाले शब्द। जैसे बच्चों अभी हमने दो वर्णों वाले शब्द पढ़े हैं, वैसे ही हम तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क प्लस ल प्लस म, ठीक है, का एक अलग वर्ण है, ला अलग वर्ण है और मा अलग वर्ण है, ठीक है। इन तीनों वर्णों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, कलम, क्या बन जाएगा, कलम। कलम मीन्स क्या होता है बेटा, पेन, ठीक है, जिससे हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, कलम हिंदी में, ठीक है। ये आपका तीन अक्षर वाले शब्द हो गए, क प्लस ल प्लस म कलम, क्या बन गया आपका अक्षर, कलम, शब्द कलम।
ठीक है, कलम शब्द बन गया। इसी तरह बच्चों आपको यहाँ पे तीन वर्णों वाले शब्द दे रखे हैं। ये देखिए पहला पिक्चर क्या छपी हुई है आपकी, मटर। मटर तो सबने खाया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मटर की पिक्चर बनी हुई है, तो ये तीन वर्णों वाले शब्द हैं, ठीक है। मटर, मटर, मगर, मगर, कलश, कलश, ठीक है। ये तीन वर्णों वाले शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं तीन वर्णों वाले, ठीक है। कुछ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जैसे नरम, 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 नरम। बच्चों जैसे मैं बोल रही हूँ, बोल के बता रही हूँ आपको, इसी तरह आपको भी अपने घर पे इसी तरह बोल बोल कर ऊंचे स्वर में बोलना है, ठीक है। स्पीक लाउड, लाउडली स्पीक करना है। हवन, 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 हवन। नमक, 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 नमक। बहाना, बहन, बहाना, बहन। गगना, गगन, गगना, गगन। कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं, ठीक है, तीन वर्णों वाले शब्द, ये आपको लाउडली स्पीक करके आपको बोलना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने पहले एक एक्टिविटी की है, एक्सरसाइज की है, उसी तरह इस पेज पे भी आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 16 पे। मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे होगा। अभी जैसे मैंने दो वर्णों वाले शब्द बताए थे, वैसे ही आपका ये भी है, जैसे म प्लस ह प्लस, यहाँ पे आपको बीच में एक वर्ण कौन सा दे रखा है, ला। अब यहाँ पे हमको इस वर्ण से मिलाकर तीन अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, क प्लस म प्लस उ प्लस छ प्लस फ प्लस स प्लस, और ये सब यहाँ पे क्या बनाना है, ला वर्ण जोड़ना है इन सब में, ठीक है। तो पहला शब्द हमारा क्या बनेगा, ये देखिए बच्चों, म ह प्लस ल, म प्लस ह प्लस ल, महल। क्या बन गया, महल, ठीक है। का प्लस म प्लस ल, क्या बन गया, कमल, क म ल, कमल। उ प्लस छ प्लस ल, उछल, क्या बन गया, उछल। फा प्लस सा प्लस ला, क्या बन गया आपका शब्द, फसल। क्या बन गया बच्चों, फसल, फसल। देखिए महल, कमल, उछल और फसल, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। आई थिंक डन हो गया होगा आपका अभी तक। स्टूडेंट्स अभी आपकी क्लास में आज आपके लिए इतना ही, दो वर्णों वाले और तीन वर्णों वाले शब्द, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड किया जाएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।